हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। ग्राम पंचायत की तरफ से सीधी भर्ती जो है वो निकाली गई है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को जो है वो कंप्लीट देखिए। यहाँ पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो यंग फेलो की जो पोस्ट है जो कि आपके लिए बिल्कुल सही रहती है, सोशल साइंस के जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये पोस्ट जो है वो सही रहेगी। यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि किसी भी स्टेट के हैं अगर आप तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और उम्र जो है वह 18 से लेकर 35 साल तक है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। 8 मई जो है वो लास्ट डेट है। साथ में जो है अगर आपको यहाँ पर मिलेगा वेतन 35,000 तक। ठीक है, अब हम जो है वो डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। पंचायती राज की तरफ से जो है जो नोटिफिकेशन आया है, आप लोग जो है यहाँ पर जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं, NIRDPR। ठीक है, तो नोटिस होगा वहां पर, आप देखिएगा। 141 टोटल वैकेंसी है यहाँ पर, और इसमें भी जो है कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड की गई है। SC जो है वो 21 है, ST 10 है, OBC 38 है, EWS 14 है, और यहाँ पर जनरल की 58 है। ठीक है, कई यहाँ पर पोस्ट कई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर SST के स्टूडेंट के लिए ही जो यही जो है सर्च की, यंग फेलो की। ठीक है, और आपको बता दूं 8 मई जो है वो लास्ट डेट है। यहाँ पर देखिए यंग फेलो की है पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा, लेकिन ये लोग जो है जब वर्क अच्छा होता है तो इसको बढ़ाते भी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो आप देखिए, यहाँ पर SST में यानी सोशल साइंस में जो है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने PG डिप्लोमा जो है वो किया हो। ठीक है, सोशल साइंस में। इसके साथ ही जो है वो 10th 12th में जो यहाँ पर मार्क्स जो है वो मिनिमम मार्क्स जो है बताए गए हैं, यदि आपके हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये मैटर करती है कि अगर आपकी जो ये है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो है वो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी बोलना, लिखना, पढ़ना जो है इंग्लिश में आना चाहिए। साथ में जो है वो MS ऑफिस यानी कंप्यूटर पर थोड़ा वर्क जो है, बहुत काम जो है वो आपको आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको बोलनी और लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। डिजायरेबल क्राइटेरिया में तो बहुत कुछ होता है, नहीं भी है तो भी चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है और क्या है आप लोगों के जानने के लिए, एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर है, यानी 35 साल तक की अगर हैं, 1/4/2023 तक, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 35,000 रुपए जो है यहाँ पर सैलरी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पर, एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो ज्यादा नहीं है, 300 रुपए है, चाहे आप जनरल OBC हो, EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जो है 300 रुपए आपको पे करना होगा। ठीक है, और ये रही, देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं, लेकिन मुझे जो है वो आपके लिए यही सही लगी, सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो आपके जो ये जॉब जो है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कैंडिडेट जो है वो उसको अपना खुद का स्टेट यानी होम स्टेट जो है वह भी मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखिए आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा जो है वो आपको यहाँ पर लिया जाएगा। तो जो कम पोस्ट होती हैं वहां पर कम ही जो है वो बच्चे अप्लाई करते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। 300 रुपए फीस है, एप्लीकेशन फीस है। 8 मई तक जो है वो आप लास्ट डेट है, अप्लाई कर सकते हो। और कम संख्या देखते ही बच्चे जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं और अच्छी जो जॉब होती है उनको छोड़ देते हैं। तो ये जो है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है कहाँ कहाँ से कितनी है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल दिखाया गया है। 2 है अंडमान निकोबार से, आंध्र प्रदेश से 10 है। आप अगर जो है वो बिलोंग करते हैं राजस्थान से, तो राजस्थान में जो है इसकी 6 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका खुद का जो होम स्टेट है, अगर जैसे मध्य प्रदेश का कोई है, तमिलनाडु का है, सिक्किम का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, गुजरात का है, तो वो अपनी पोस्ट जो है वो यहाँ पर देख सकता है। उत्तर प्रदेश की जो है वो 9 पोस्ट है। ठीक है, वहीं पर कई बच्चे जो है वो हरियाणा के बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में जो है कितनी पोस्ट आई हुई है, हरियाणा में जो है कम पोस्ट है, 1 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखिए 22 पोस्ट है, काफी पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 141 लगभग जो है वो पोस्ट यहाँ पर दी गई है।
उसके बाद कैसे होगा आपका, तो रिटन टेस्ट होगा, और सेंटर जो है वो आपका कहाँ कहाँ पर आएगा तो ये भी बताया गया है। देखिए, श्रीनगर, गुवाहाटी, दिल्ली, लखनऊ, उड़ीसा, जबलपुर, पुणे, तमिलनाडु, हैदराबाद, ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो है वो आपका सेंटर आएगा। तो ये चीज जो है वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, एसएसटी के स्टूडेंट हैं, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो हम फिल करें तो आप करिएगा। तो साइट पर जो है वो कई वैकेंसी थी, बट मैंने जो है एसएसटी की वैकेंसी जो है वही खोजी, ताकि आप लोग जो है वो इसको जान सकें। तो आप लोग अगर भरें तो आप डिटेल में जो है इसका पूरा नोटिफिकेशन देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।